नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सेब, प्याज, मूंग, जौ, सोयाबीन और लहसुन की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और आपको बता दें बाजार की जानकार अनुज गुप्ता से फोन पर होगी। अच्छा, तो आइए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में सेब के भाव रहे स्थिर। पालमपुर मंडी में 7,500 रुपए रहा बाजार भाव। आइए शुरुआत कर लेते हैं सेब के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके कारोबार की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए हैं। सेब के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां 17 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 18 नवंबर को भी 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह चंडीगढ़ मंडी में भी इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्मार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 17 नवंबर को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए, 18 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। स्थिर भाव का सिलसिला पंजाब की मोरिंडा मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 17 और 18 नवंबर को सेब की खरीद 4,800 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 नवंबर को इसका भाव 4,800 रुपए पर टिका रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल फलों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो देखा आपने सेब के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, इसमें आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे सेब के बाजार भाव के बारे में, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? सेब की अगर बात करें तो हिमाचल से हमने मंडियों के अंदर अच्छी आवक आते हुए देखी है और इस बार हमने बम्पर क्रॉप भी हिमाचल में होती हुई देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो क्रॉप है वो आगे और आवक बढ़ सकती है, पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं सेब के भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी का माहौल रह सकता है आगे आने वाले समय में, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठा सकते हैं जिससे उन्हें अच्छी जो आमदनी है वो अर्जित हो सके? सेब के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि में मंडियों का रुख करके चले, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा, किसानों के लिए सलाह की क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा क्योंकि आगे नरमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो क्या करना हमारे सेब के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। साथ ही अनुज जी आपसे गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। बता दें आपको कि प्याज के कारोबार में तेजी का रुख। गोलू वाला मंडी में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, और इसी के साथ जानकारी देते हैं आपको कि मिले जुले रुख के साथ मूंग की बिकवाली। वहीं खातेगांव मंडी में 5,311 रुपए रहा है इसका बाजार भाव। आइए अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं प्याज के बाजार के बारे में किस तरह का माहौल बना हुआ है। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में प्याज की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, तो वहीं अगर हम पालमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर इसके जो भाव हैं उसमें स्थिरता देखने को मिली है। किस तरह से हो रहा है कारोबार दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। बाद इसके भाव की करें तो पालमपुर मंडी में प्याज के भावों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं राजकोट, गोलूवाला और गाजियाबाद मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्वाग्नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 17 नवंबर को प्याज का भाव रहा 2750 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2750 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 नवंबर को प्याज का भाव था 750 रुपए, 18 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 800 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 17 नवंबर को प्याज का भाव रहा 1700 रुपए, 18 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 1900 रुपए पर हुए। बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी जारी रहा। यहां 18 नवंबर को प्याज का भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 1800 रुपए से 1850 रुपए हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए 27 अक्टूबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे की संभावनाओं के बारे में जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्याज के बाजार भाव को लेकर? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के अंदर भी हमने भावों में एक तेजी का रुख देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो शादी के डिमांड वजह से, फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से भावों में तेजी का रुख हमने देखा था और हमें लगता है कि अभी ये कुछ और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं हमने आवक में कुछ कमी देखी है जिसके असर भावों पर आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल प्याज की क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है और जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती हुई देखी है, हमें लगता है प्याज के भावों में थोड़ी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अगर किसान छोटी अवधि के लिए प्याज को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आगे आने वाली थोड़ी सी तेजी है उसका फायदा उठा सकते हैं हमारे प्याज के किसान। बात हो गई प्याज की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो मक्का के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करेंगे, मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1800 रुपए। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी की बात करें तो यहां पर भी जो इसका जो भाव है 1800 रुपए रहा है। गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 2350 रुपए पर, जबकि यहीं की हाथरस मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2350 रुपए। जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाजार भाव आपने जान लिए। इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंग की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड देख। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुँचेंगे आपके गाँव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में साबुत मूंग की जो आवक है वो सामान्य दर्ज की गई है। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भाव में घटत देखने को मिली है, जी हां गिरावट हुई है। वहीं मिले जुले रुख के साथ हुए मूंग के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करे तो शुक्रवार को गोलूवाला मंडी में मूंग के भाव बढ़े, जबकि राजकोट मंडी में मूंग की खरीद कमजोरी के साथ हुई। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6090 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 661 रुपए की मजबूती के बाद 6751 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6530 रुपए, जो कि 18 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 6540 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को मूंग का भाव 70 रुपए टूटकर 6750 रुपए से 6680 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में शुक्रवार को मूंग का कारोबार 5311 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 6000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 12000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 18000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने मूंग के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं। जी हाँ, मिला जुला सरुख देखने को मिल रहा है। पैदावार का हाल भी अभी आपने जान लिया। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में केले की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3250 रुपए। इसके साथ ही केरल की अंचल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 6900 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 2800 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2360 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद बात करेंगे मौसम्बी की। बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 6250 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 5300 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 2400 रुपए पर। यहीं की हाथरस मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2750 रुपए। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ आप बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं जौ के बाजार के बारे में। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में उठा पटक देखने को मिली है। बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2454 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं नवंबर महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो इस दौरान जौ के भाव में तेजी आई और भाव 425 रुपए बढ़कर 2879 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते की बात की जाए तो इस दौरान जौ के सौदों में 42 रुपए की फिर से मजबूती दर्ज की गई और भाव 2921 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में 65 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 2856 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं आपको बता दें कि नवंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ के भाव में मजबूती देखने को मिली है। एग्मार्कनेट के मुताबिक नवंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को आगरा मंडी में जौ का जो भाव है वो दर्ज किया गया 2725 रुपए। वहीं 7 नवंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 2740 रुपए पर जा पहुंचा। 12 नवंबर की बात करें तो यहां जौ के सौदे बिना किसी बदलाव के 2740 रुपए प्रति क्विंटल पर बने रहे, जबकि 17 नवंबर की बात की जाए तो यहां पर जौ के भाव में 20 रुपए का फिर से उछाल आया और भाव 2760 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो आपने जाना आगरा मंडी में किस तरह का हाल रहा। बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में जौ के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव जो है वो दर्ज किया गया था 2524 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम नवंबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान जौ के सौदों में 378 रुपए की तेजी आई और भाव 2902 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो आपने जाना कि यहां पर मजबूती का ही दौर देखने को मिल रहा है। तो क्या यही हाल आगे भी रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे जौ के बाजार के बारे में।
जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में उठापटक देखने को मिली है। हालांकि आने वाले समय में हमें लगता है कि हमारे भावों में एक तेजी का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार हमने जो आवक है वो कम देखी है। हालांकि हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेजी देखी, तो उसके तर्ज पर ही हमने जौ के अंदर भी एक तेजी का अनुमान आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं, डिमांड का असर रहेगा भावों पर और भाव ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि उछाल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं इन हालातों का? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है, तो जिन किसानों के पास जौ रखा है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आगे और भी ज्यादा मजबूती का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में अगर हमारे किसान थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा रुक कर चलते हैं, रुक कर बिकवाली करते हैं, तो इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं, और यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। तो अब हम उम्मीद करते हैं जौ के किसान थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर जरूर करेंगे। इसी के साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात सोयाबीन की। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव में मजबूती रही। अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान सोयाबीन का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,194 रुपए प्रति क्विंटल था। नवंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी आई और भाव 156 रुपए बढ़कर 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान सोयाबीन के सौदों में 370 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 5,720 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव में 109 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 5,829 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि नवंबर महीने के दौरान मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक मार्कनेट के मुताबिक नवंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को खातेगांव मंडी में सोयाबीन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया था 4,900 रुपए। 7 नवंबर की बात करें तो इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,650 रुपए पर आ गया। हालांकि 14 नवंबर को यहाँ सोयाबीन के सौदे 470 रुपए चढ़कर 5,120 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए और इसी तरह से 17 नवंबर को यहां सोयाबीन के भाव में 180 रुपए का फिर से उछाल देखने को मिला और भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो जाना आपने कि यहाँ खासतौर पर खातेगांव मंडी में किस तरह का माहौल रहा है। जानकारी दें आपको कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में सोयाबीन के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान सोयाबीन का औसत मासिक भाव 5,085 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान सोयाबीन के सौदों में 438 रुपए की तेजी आई और भाव 5,523 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तेजी का माहौल ही हमें देखने को मिल रहा है। क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर होगा बदलाव, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप यहां पर सोयाबीन के बाजार भाव को लेकर?
सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजारों में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में वैश्विक बाजारों में भी तेजी का माहौल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार में और खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, तो इस मजबूती का फायदा हमारे किसान क्या कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल सोयाबीन को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में हमें तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से और वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में छोटी अवधि में तेजी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि सोयाबीन को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे सोयाबीन के किसान तो तेजी का फायदा उठा सकते हैं। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर, और बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3100 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे हुए 900 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,400 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए अब नजर डालें नींबू के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे, नींबू का बाजार भाव रहा 3,000 रुपए। यहीं की मानसा मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 5,500 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 4,570 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं लहसुन के बाजार पर। बता दें आपको कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में मजबूती रही है। अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान लहसुन का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो 3,099 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। नवंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान लहसुन के भाव में तेजी आई। बता दें भाव जो है 281 रुपए बढ़कर 3,380 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते की बात की जाए तो इस दौरान लहसुन के सौदों में 1 रुपए की मामूली तेजी दर्ज की गई और भाव 3,381 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह से तीसरे हफ्ते के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में 363 रुपए का उछाल आया और भाव 3,744 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। देखा आपने कि लगातार यहाँ पर हम मजबूती ही देख रहे हैं। बता दें आपको कि नवंबर महीने के दौरान राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के भाव में उठापटक सा माहौल देखने को मिला है। एगमार्क नेट के मुताबिक नवंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को जोधपुर मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया था 2,500 रुपए। 7 नवंबर की बात की जाए तो इसके भाव में 700 रुपए की तेजी आई और भाव 3,200 रुपए पर पहुंच गया। 12 नवंबर को यहां लहसुन के सौदे 700 रुपए टूटकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि 17 नवंबर को यहां लहसुन के भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में लहसुन के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान लहसुन का जो औसत मासिक भाव है वो 3,105 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 193 रुपए की तेजी आई और भाव 3,298 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आइए लहसुन के बाजार पर भी जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप लहसुन के बाजार को लेकर? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के बाजार में भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से लहसुन के बाजार में तेजी का रुख रहा है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक की बात करें तो आवक कुछ कम देखने को मिली है, उसके मुकाबले हमने डिमांड में एक बढ़ोतरी आती हुई देखी है, जिसकी वजह से भावों में तेजी का रुख रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये जो तेजी का माहौल है यूं ही बरकरार रहेगा, किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में लहसुन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से, सीजनल डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आए हैं, तो छोटी अवधि में किसान अगर लहसुन को होल्ड करते हैं तो यहां से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है लहसुन के किसानों को हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। और साथ ही अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल और आज की मंडी खबर
खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।